हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हो एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत मिस्टर शाओ से होती है, जो अपनी कंपनी में आता है, जहां उसे पता चलता है उसकी कंपनी के शेयर्स प्राइस नीचे चले गए हैं। शाओ सभी को समझाने लगता है, इस बार अगर लॉस हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। यहां सभी डायरेक्टर भी आए हुए थे, उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट की फिक्र हो रही होती है। तभी यहाँ पर एक क्लीनिंग लेडी आती है। शाओ उसे देखकर बोलता है, यहाँ मीटिंग चल रही है, बाद में नहीं आ सकती हो क्या? वो लड़की बोलती है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वो बिजनेस के बारे में बताने लग जाती है, पर शाओ की असिस्टेंट मीना को लगता है ये कोई कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए आई है। मीना बोलती है, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? मीना तो मना करने वाली थी, पर शाओ हाँ बोल देता है। यहाँ पर लीना कुछ टाइप करने लग जाती है। मीना देखती है लीना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मीना और डायरेक्टर दो नाराज हो रहे थे, पर शाओ देखता है उसे तो प्रॉफिट मिलने लगा। लीना बोलती है, देखा मैंने कहा था मैं हेल्प कर सकती हूँ। शाओ बोलता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लीना बोलती, अगर तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो तुम यी ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट साइन कर लेना। शाओ समझ गया था ये कोई ऑर्डिनरी लड़की तो नहीं हो सकती है। मीना बोलती है, क्या आप सच में उस छोटी सी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने वाले हो? शाओ बोलते, हाँ, और उस लड़की के बारे में सब पता करो। लीना जा रही होती है, तभी उसके सामने बहुत सारी कार्स आ जाती है। एक्चुअली में लीना बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। लीना के ग्रेट ग्रैंडपा ने कंपनी खोली थी, जो आज नंबर वन पर है। मैनेजर वो बोलता है, और कब तक आप यहाँ रहने वाली हो? आपको अपने घर चलना चाहिए, आपको अपनी कंपनी भी तो संभालनी है ना। लीना बोलती है, देखो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। वो बोलता है, आपके आगे वो यीजी क्या है, उसे छोड़ दो क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। लीना बोलती है, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, तभी तो शादी की है ना। वो लीना को बोलता है, देखो अगर तुम नहीं आओगी तो कोई और कंपनी संभाल लेगा, तुम अपने अंकल को जानती हो ना। लीना बोलती है, पर मुझे परवाह नहीं है, आप मुझे जाने दो, यीजी मेरा वेट कर रहा होगा। वो बोलता है, मैं आपका वेट करूंगा क्योंकि आपको जल्दी पता चल जाएगा यीजी कैसा इंसान है। लीना वो की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लीना अपने हस्बैंड के सामने आती है। लीना अपने हस्बैंड को हैप्पी बर्थडे जान विश करती है, और वो केक भी लेकर आई थी जिसको यीजी की सिस्टर पेन ने गिरा दिया था। लीना बोलती है, ये क्या किया? पेन बोलती है, मेरा भाई तुम्हें कुछ कहना चाहता है। यीजी लीना को डिवोर्स पेपर देता है। लीना बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? यीजी बोलता, नहीं मुझे अब तुम पसंद नहीं, साइन करो। पेन बोलती है, मेरे भाई को शाओ ग्रुप से प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अब तुम मेरे भाई के आगे कुछ भी नहीं हो, तुम्हें चले जाना चाहिए, वैसे भी तुम तो एक हाउसवाइफ हो, बिजनेस की नॉलेज तुम्हें कहाँ होगी। यीजी बोलता, सही कहा मेरी बहन, मैं रिच हो गया हूँ और तुम आज भी वैसी हो। मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जो सिर्फ खाना और बर्तन मांजे, मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरे साथ बिजनेस में हेल्प कर सके। लीना बोलती है, क्या मैंने तुम्हारी कभी हेल्प नहीं की? सोचो जरा, मैं जब तुम्हारी लाइफ में आई थी तब से ही तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं और मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ घर का काम करके। पैन बोलते है, तो क्या हुआ, ये सब तो मेड भी कर लेती है ना। लीना बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे छोड़ रहे हो? इसी बोलता है, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ मेरे एफर्ट्स और टैलेंट की वजह से। लीना बोलती है, तुम आज सक्सेसफुल हो क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। पैन बोलती है, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो हेल्प करोगी? लीना बोलती है, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। इजी बोलता है, आज जो शाओ ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला है वो भी मेरी वजह से मुझे मिला है। पैन बोलती है, वो तो जिया ने हेल्प की है। इजी बोलता, हाँ वो मेरी बिजनेस में हेल्प करती है, तुम्हें घर के काम के अलावा कुछ आता भी है? तुम ये प्रोजेक्ट मुझे दिलवा सकती हो? कितना झूठ बोल रही हो तुम। लीना बोलती है, क्या ये जिया तुम्हारी मिस्ट्रेस है? अच्छा हुआ पता चल गया। वो डिवोर्स पेपर साइन कर देती है और बोलती है, रिग्रेट मत करना। पैन बोलती है, हम भला क्यों रिग्रेट करेंगे, अच्छा हुआ जो तुम हमारी फैमिली से जा रही हो। ये जी बोलते है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम कोई छोटा मोटा काम मत करना। तभी जिया कर बोलती है, ये तो 1 लाख है, इतने पैसे तो तुमने अपनी लाइफ में देखे नहीं होंगे। लीना बोलती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। जिया बोलती है, ठीक है तो डिवोर्स तो हो गया है ना, तो निकलो यहाँ से, मैं तुम जैसी लड़की के पास नहीं रह सकती। लीना जिया को थप्पड़ मारती है, तुम कितनी झूठी हो, क्या कहा तुमने, यीजी के प्रोजेक्ट में हेल्प की है, कभी शाओ को देखा भी है? यीजी बोलता है, तुम एक हाउस वाइफ हो, तुम्हें क्या पता शाओ के बारे में, तुम ऐसे ही फेंक रही हो ना। जिया बोलती है, मुझे यीजी से प्यार है इसलिए मैं उसकी हेल्प करती हूँ, इवन यीजी शाओ फैमिली की पार्टी में भी जाने वाला है। यीजी जिया को बोलता है, तुम लीना की बातों को इग्नोर करो। यहाँ मीना शाओ के पास आकर बोलती है, लीना यीजी की वाइफ है,
शाओ बोलता इसीलिए यीजी को प्रोजेक्ट देने को कहा था उसने। मीना बताती है यीजी को जैसे ही ये प्रोजेक्ट मिला उसने लीना को डिवोर्स दे दिया। शाओ बोलता लगता है वो ब्लाइंड है जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़ रहा है। यहाँ लीना यीजी के घर से जा रही थी तभी यीजी की मोम बोलती है मुझे देखना होगा तुम मेरे घर से क्या लेकर जा रही हो। लीना बोलती है आपके घर में ऐसा है ही क्या जो मैं लेकर जाऊं। पर पेन टिन के बैग को चेक करने लग जाती है और बोलती है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोम बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है इसने अपने कपड़ों के अंदर छुपाया होगा। मोम और पेन मिलकर लीना को चेक करने लग जाते हैं तभी यहाँ पर शाओ आ जाता है। पेन बोलती है तुम इस एक्टर को भी ले आई हो उठाकर। मोम बोलती है तभी मैं सोचूं तो मेरे बेटे को डिवोर्स देने के लिए कैसे मान गई, तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था ना। शाओ बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो। पेन बोलती है अब तुमने इस हैंडसम लड़के को भी फंसा लिया है ना। शाओ बोलता है आप लोगों को देखकर पता चल गया है आपकी फैमिली एक नंबर की बेवकूफ है। शाओ लीना को लेकर चला जाता है। कार में लीना बोलती है थैंक यू तुमने मुझे बचा लिया। शाओ बोलता मुझे पता चला था तुम यीजी की वाइफ हो। लीना बोलती है पर अब नहीं हूँ। रात में पार्टी में मोम और पेन मजे कर रहे थे क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव पार्टी इन दोनों ने देखी नहीं थी। तभी यहाँ लीना आ जाती है। यीजी की मोम बोलती है ये ड्रेस किससे लेकर आई हो। पेन बोलती है मोम इसकी इतनी हैसियत नहीं है जो यहाँ आ सके। लीना बोलती है आपको देखकर लगता है यहाँ पहली बार आई हो। पेन जानकर लीना की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और बोलती है मैंने जानकर किया है। लीना बोलती है कोई बात नहीं तुम तो गिरी ही हुई हो। वो भी पेन के ऊपर वाइन गिरा देती है मैंने भी जानकर किया है। तभी यहाँ यीजीजिया के साथ आ जाता है और बोलता है तुम भी मेरा पीछा छोड़ नहीं रही हो। लीना बोलती है भला मैं तुम्हारा पीछा क्यों करने लगी ऐसा तुम में है ही क्या। पेन बोलती है इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो हमारे घर आया था मुझे और मोम को परेशान कर रहा था। यीजी बोलता है मुझे पता नहीं था तुम इतनी गिर सकती हो। लीना बोलती है तुम्हारा क्या देखो ना वाइफ के होते हुए मिस्ट्रेस को रखा हुआ है। यीजी बोलता है इसने मेरा शाओ के साथ प्रोजेक्ट करवाया है मेरी हेल्प करने वाली है तुम जैसी नहीं है। लीना बोलती है वो तो बन भी नहीं पाएगी। मोम बोलती है इसको कोई बाहर निकालो। लीना बोलती है मैं जाऊंगी पर तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं होने दूंगी। जिया बोलती है लगता है ये पागल हो चुकी है एक हाउसवाइफ को बिजनेस के बारे में कैसे पता चल सकता है। यीजी बोलता है देखो तुम यहाँ से दफा हो जाओ वैसे भी किसी ने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया है। लीना बोलती है सही कहा तुम जैसे लोगों को भी यहाँ कोई नहीं बुलाएगा। वो प्रोजेक्ट के पेपर का कचरा बना देती है ये देख कर यीजी को बहुत गुस्सा आता है। जिया बोलती है इससे कुछ नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं दोबारा भी बना सकती हूँ। यीजी बोलता है भला इसको ये बात कैसे पता होगी शाओ आई इससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। जिया बोलती है रहने दो ना मुझे लगता है ये शाओ के सामने आएगी तो इसकी असलियत भी बाहर आ जाएगी। यीजी बोलता सही का और सबको बोलने लग जाता है लीना के साथ कोई लेना देना नहीं है मेरा। तभी यहाँ मीना आ जाती है। यीजी बोलता है मैं ये ग्रुप से हूँ हमारा प्रोजेक्ट साइन होने वाला है ना। मीना बोलती है ये किसने किया इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने तोड़ा। जिया बोलती है इस लीना ने इसे कुछ मालूम नहीं है और यहाँ तमाशा कर रही है। यीजी बोलता है ये मेरी एक्स वाइफ है। मीना बोलती है मुझे मालूम है क्योंकि इसी ने आपके साथ कोलैबोरेशन करने को कहा था। मोम बोलती है क्या पर ये सब जिया ने किया था ना। जिया सोचती है ये फेक असिस्टेंट लगती है और बोलती है क्या तुम लीना की फ्रेंड हो जो उसके झूठ में उसका साथ दे रही हो। मीना बोलती है तुम भी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। जिया बोलती है अगर तुम दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगी। लीना बोलती है इसकी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर शाओ आ जाता है। मोम बोलती है ये तो वही है ना जो लीना को लेने के लिए आया था। शाओ तो शौक हो जाता है। शाओ लीना को बोलता है तुम ठीक तो हो ना। लीना बोलती हाँ। तभी यीजी आकर बोलता है आपकी कंपनी से कॉल आया था आप मेरे साथ प्रोजेक्ट करना चाहती हो। ये सुनकर मैं कितना खुश था मैं आपको बता भी नहीं सकता। शाओ बोलता है पर वो मैंने लीना के कहने पर किया था अब तुम लीना की इंसल्ट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता मैं ये प्रोजेक्ट कर पाऊंगा। यीजी बोलता है पर जिया ने मेरी हेल्प की थी ना। जिया बोलती है लीना को कहाँ पता होगा इन सब के बारे में। शाओ बोलता है तुम ज्यादा बोल रही हो चलो माफ़ी मांगो। लीना भी शाओ के सामने कुछ नहीं कह पाती और माफी मांगने लग जाती है। यीजी की मोम बोलती है इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था देखो डिवोर्स लिए एक दो दिन नहीं हुए और बॉयफ्रेंड भी बना लिया। लीना यीजी की मोम को थप्पड़ मारती है। यीजी बोलता है ये मेरी माँ है। लीना बोलती है तो क्या हुआ हमने डिवोर्स ले लिया है और अब मैं इनोसेंट लड़की नहीं हूँ। यीजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है शाओ तुम्हें पसंद करता है वो बहुत अमीर है उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। शाओ बोलता है सही कहा पर मुझे तो लीना से पहली नजर वाला प्यार हो गया था जैसे ही मुझे पता चला तुमने लीना को डिवोर्स दे दिया तो मैंने सोचा अब मेरा चांस है।
इजी बोलता है आपकी पसंद बकवास है। शाओ बोलता है अच्छा मैं तुम्हारे साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। इजी शाओ को रोकता है पर शाओ नहीं सुनता। वो लीना को लेकर चला जाता है। लीना शाओ के साथ कार में होती है और बोलती है थैंक यू तुमने आज मेरे लिए शो भी किया। शाओ बोलता है मैंने झूठ नहीं बोला था मुझे तुम सच में पसंद हो। लीना बोलती है पर मैं तैयार नहीं हूँ। शाओ बोलता है एक बार मेरे बारे में सोचो ना। यहाँ जिया अपनी स्कूल फ्रेंड सुम को कॉल करती है और सब बताते हुए बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। सुम ओके बोल देती है। यहाँ इसी को जिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुमने तो मेरी कोई हेल्प की ही नहीं फिर ऐसे क्यों दिखा रही थी जैसे तुम मेरी हेल्प कर रही हो। अगर मैं लीना को डिवोर्स नहीं देता तो आज वो प्रोजेक्ट मेरे पास होता। जिया इजी को थप्पड़ मारकर बोलती है एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम ये सब कह रहे हो। इजी बोलता है कैसी हेल्प। जिया बोलती है मेरी फ्रेंड लू फैमिली से है तो मैंने उससे बात की है उसे तुमसे मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर इजी तो खुश हो जाता है क्योंकि लू फैमिली सिटी की सबसे अमीर ग्रुप में से थी। इजी बोलता है क्या बात है मुझे पता नहीं था तुम इतनी हेल्प करोगी। अब तो मोम बीमस का मानने लग जाती है जबकि पहले वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इजी को लगा था शाओ का प्रोजेक्ट गया तो क्या हो गया क्योंकि अगर वो लू ग्रुप के साथ काम करेगा तो सब सही हो जाएगा। यहाँ शाओ बोलते है लीना चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लीना बोलती है मैं चली जाऊंगी क्योंकि अगर किसी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। शाओ बोलते है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लीना बोलती है पर मुझे तो पड़ता है ना और दूसरी कार में जाती है। ये देखकर शाओ किसी को उस कार के बारे में पता लगाने को बोलता है। यहाँ लीना वू को बोलती है मैं अब लू फैमिली में आने को तैयार हूँ। मैंने जो गलती पहले की है वो अब नहीं करूँगी। आज तक मेरे अंकल कंपनी को संभाल रहे थे अब मैं करूँगी। तभी वो बताता है शाओ आपकी कार का पता लगा रहा है। लीना बोलती है करने दो। यहाँ मीना शाओ से बोलती है मुझे पता चल गया है वो कार लू फैमिली की है। शाओ बोलते है क्या कहीं वो लू फैमिली से तो नहीं है ना। मीना बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है अगर वो लू फैमिली से होती तो इसी के साथ कभी शादी ना करती। शाओ बोलता है तुम सही कह रही हो और उसके बारे में और पता लगाने की कोशिश करो। तभी यहाँ तुई आ जाती है। एक्चुअली मैं तुई शाओ की फियांसी थी पर शाओ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तुई बोलती है सुना है लू फैमिली एक पार्टी करने वाली है। शाओ बोलता है तुम लू फैमिली के साथ डील करना चाहती हो ना। तुई बोलती है पर मैं उस पार्टी में हमारे बारे में भी बताना चाहती हूँ। शाओ चुप हो जाता है। तुई बोलती है क्या हुआ कहीं तुम कल रात जिस लड़की के साथ थे उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना। शाओ बोलता मुझे तो तुमसे भी कभी प्यार नहीं हो सकता वो तो तुम हो जो मुझसे सगाई करने के लिए मरी जा रही थी। मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता और मुझे सगाई से भी कोई मतलब नहीं है। तुई बोलती है भूलो मत तुम मेरे साथ हो तभी इतने सक्सेस हो। मैं तुम्हारी जैसी छोटी कंपनी को एक मिनट में खरीद सकती हूँ पता है ना। शाओ बोलता है मुझे लू फैमिली के साथ काम करना है जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक ही हमारी कंपनी अच्छी चलती रहेगी पर तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुई बोलती है तो कौन पसंद है वो लड़की जिसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया भूलो मत मैं कौन हूँ। शाओ बोलता है मुझे इस चुड़ैल से पीछा छुड़वाना ही होगा। इजी की मोम और बहन लू फैमिली के एक होटल में आते हैं जहाँ वो लड़की बोलती है होटल आज के लिए बंद है यहाँ पर वीआईपी ही आ सकते हैं। तभी पेन लीना को देख लेती है ये यहाँ क्या कर रही है। मॉम इसको मैं अभी बताती हूँ। इजी बोलता है तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई क्या। मॉम बोलती है यहाँ तुम जैसी लड़की कैसे आ सकती है तुमने शाओ के साथ मिलकर मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी। पेन बोलती है तुम शाओ के साथ हो ना इसलिए इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। हमें यहाँ पर जिया ने भेजा है पता है वो लू फैमिली के साथ मीटिंग करवाने वाली है। लीना बोलती है एक बार तो जी ऑलरेडी तुम लोगों से झूठ बोल चुकी है क्या अभी भी तुम उस पर ट्रस्ट करते हो। लगता है इजी तुम एक नंबर के बेवकूफ किंग हो। इजी बोलता है डिवोर्स के बाद तुम खुद को रिस्क समझने लग गई हो क्या। लीना बोलती है मुझे यहाँ इन्वाइट किया है तुम खुद को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो इजी अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पेन बोलती है पर आज इस पार्टी में सिर्फ रिस्पेक्टफुल फैमिली को ही इनवाइट किया गया है तुम कैसे आ सकती हो। इजी बोलता है अब तुम में कोई शर्म नहीं बची क्या कहीं भी मुंह उठाकर चली आती हो। लीना बोलती है मुझे तुम लोगों से बात कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। पेन बोलती है तुम झूठ बोल रही हो तुम्हें तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं होगा। लीना बोलती है मैं कौन हूँ अभी तुम लोगों को पता लग जाएगा। शाओ बोलता है बस भी करो कितनी एक्टिंग करोगी तुम यहाँ आने के लायक नहीं हो। लीना बोलती है अच्छा तो तुम हो क्या। इजी बोलता है भूलो मत मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था क्योंकि तुम्हारा स्टेटस मुझसे लो है। पेन बोलती है इसे तो कोई बात समझ नहीं आ रही है
इसी बोलता, देखो एक टाइम पर तुम मेरी वाइफ थी, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो सकती है। लीना बोलती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसी बोलता, तुम जैसी पुअर लड़की कोई नहीं बुलाएगा। लीना बोलती है, पर मुझे तो बुलाया है। ओम बोलते, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से वो प्रोजेक्ट चला गया। लीना बोलती है, सही कहा। पैम बोलती है, तुम्हें तो अभी मैं बाहर निकालती हूँ। लीना को होटल से भगाने के लिए इसी की मोम मैनेजर को बुलाती है और बोलती है, इसको यहाँ से दफा कर दो। मैनेजर ओके बोल देती है। पैन पूछती है, वैसे ये यहाँ कैसे आ गई, बता सकती हैं आप? मैनेजर बोलती है, पर ये लेडी है कौन? होम बोलती है, ये वो है जिसको मैंने घर से निकाल दिया था, यानी कि किसी काम की नहीं, इसलिए इसको यहाँ से भी निकालो। मैनेजर बोलती है, आप यहाँ से चली जाएं। पैन बोलती है, देखा ना, तुमने हमें शाओ फैमिली का प्रोजेक्ट नहीं दिया, पर आज हम लू फैमिली से मिलने के लिए आ गए हैं। मैनेजर बोलती है, आज यहाँ पर VIP लोग आए हैं, आपको चलना चाहिए यहाँ से। लीना बोलती है, ये करने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए। इसी बोलती है, क्या बोल रही हो, लो ग्रुप के आगे शाओ कुछ भी नहीं है, उसका एटीट्यूड दिखाना तुम बंद करो। लीना बोलती है, मेरे पास इनविटेशन है। ये देखकर इसी तो हैरान हो जाता है। पैन बोलती है, तुम कुछ भी बोलोगी और हम मान जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, समझी? मैनेजर बोलती है, ऐसी लड़की को कोई कभी इनवाइट नहीं करेगा। वो इनविटेशन कार्ड को तोड़ देती है, जरूर ये किसी से चुरा कर लाई होगी। मैनेजर बोलती है, बॉडीगार्ड इसको बाहर निकालो। तब यहाँ पर शाओ आ जाता है। इजी की मुंह बोलती है, देखो तुम्हारा यार भी आ गया है। शाओ बोलता है, आपके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, क्या ब्रश नहीं किया था? पैन बोलती है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, हमें बुलाया पर तुम्हें नहीं बुलाया। वो बोलता है, देखो लू फैमिली से मीटिंग करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। पैन बोलती है, हम आज मिलने ही वाले हैं। मोम बोलती है, मेरे बेटे को लू फैमिली जल्दी प्रोजेक्ट देने वाली है। मैनेजर बोलती है, अब हो गया आप लोगों का, मैंने सुन लिया, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शाओ बोलता है, मैं कौन हूँ, क्या तुम जानती भी हो? तभी लीना किसी को कॉल करती है, मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, जल्दी से आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के साथ। मैनेजर बोलती है, क्या तुम्हारे बुलाने पर कोई भी आ जाएगा? शाओ बोलता है, लगता है जाना होगा। लीना बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो अभी आ रहा है। मैनेजर बोलती है, कितनी एक्टिंग करोगे, निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर होटल का चीफ आ जाता है, वो लीना को जानता था। मैनेजर बोलती है, देखो ना ये यहाँ पर आ गया है। ये सुनकर चीफ थप्पड़ मारता है, पता भी है ये कौन है? चीफ उसे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है और माफी भी मांग रहा था। लीना बोलती है, मुझे ये मैनेजर पसंद नहीं आई। चीफ बोलता है, इसको जॉब से निकाल दो, इवन मैं केयरफुल रहूंगा, इसे कहीं पर जॉब भी ना मिले। चीफ फिर से माफी मांगने लग जाता है। शाओ समझ जाता है लीना बहुत पावरफुल है। चीफ बोलता है, मैं आपका ही वेट कर रहा था। ये सुनकर इजी बोलता है, हमें यहाँ बुलाया गया है। पैन बोलती है, आज तो हम मीटिंग करने वाले थे ना। लीना बोलती है, ये तुम लोगों का सपना है। शाओ भी लीना के साथ जा रहा था पर चीफ उसे रोक लेता है, आप यहाँ वेट करो। इसके बाद हम देखते हैं मीटिंग रूम में जिया थी, वो अपने बारे में बता रही थी, वो भी बहुत रिच फैमिली से आती है। जिया बोलती है, आप अगर मेरे फैंसी की कंपनी में इन्वेस्ट करो तो अच्छा होगा, पर यहाँ कोई उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। जिया जा रही होती है तभी वो लीना को देख लेती है और फिर सोच में पड़ जाती है, ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ इसी बोल रहा होता है, हमें भी इन्वाइट किया गया है। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है, वो लीना के बारे में कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे तमाचा पड़ जाता है। जिया चीफ को बोलती है, तुम एक एम्प्लॉय हो और हमें यहाँ से कैसे निकाल सकती हो? चीफ बोलता है, मैं कौन हूँ वो तुम्हें नहीं पता। जिया बोलती है, लू ग्रुप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। चीफ बोलता है, तो क्या हुआ, निकलो यहाँ से। बाद में शाओ लीना के बारे में चीफ से पूछने लग जाता है पर वो बताने से मना कर देता है। यहाँ लीना अपने अंकल से मिलने आती है जो उसे बहुत पसंद करते थे। एक अंकल बोलते हैं, फिर भी तुमने उस यीजी से शादी कर ली? दूसरे अंकल बोलते हैं, यीजी की कंपनी में किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें बता देना। लीना बोलती है, अब इसकी जरूरत नहीं। अंकल बोलते, पर क्यों? लीना बोलती है, मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है क्योंकि उसे कोई और पसंद है। अंकल बोलते, वो कौन है? लीना बोलती है, जिया है। अंकल बोलते, क्या? वो तो अभी आई थी यीजी की कंपनी के बारे में बात करने के लिए। तभी हम सोच रहे थे वो तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात करने, अब हम समझे वो तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बात करने क्यों आई थी। सभी अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, तुम्हारी कजन ने उसको यहाँ भेजा था, पर अब हम उस यीजी को नहीं छोड़ने वाले। लीना बोलती है, उसको तो मैं देख लूंगी। अंकल पूछते, बताओ तुम्हें कौन सी कंपनी पसंद आई इन्वेस्टमेंट करने के लिए? लीना बोलती है, शाओ ग्रुप ठीक रहेगा। दूसरे अंकल बोलते हैं, पर वो तो छोटी कंपनी है ना। कोई नहीं, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर अंकल इनविटेशन कार्ड देते हैं, एक्चुअली मैं लू कंपनी सभी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, इसके लिए एक इवेंट होने वाला था,
यहाँ यीजी सोच रहा था लीना को मीटिंग में क्यों बुलाया होगा। शिया बोलती है, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो यहाँ पर सबको कैसे जान सकती है। तभी यहाँ पर शव आ जाता है। मोम बोलती है, लीना के बहुत बॉयफ्रेंड है तो बच कर रहना। पैन बोलती है, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें भी छोड़ दे। शव बोलता है, तुम तो चुप ही रहो। चिया बोलती है, अब हमारा शव से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैंने लू ग्रुप के 4 मेंबर से मीटिंग की है। हो सकता है वो यीजी की कंपनी में इन्वेस्ट करे। ये सुनकर मोम और यीजी तो खुश हो जाते हैं। पैन बोलती है, अब हमारे आगे तुम कुछ भी नहीं हो शव। तभी लीना आ जाती है, तुम मीटिंग में आई थी ना, पर मैंने तुम्हें नहीं देखा। मोम बोलती है, तुमको तो अलग अलग आदमियों के साथ रहना पसंद है ना, इसलिए तुम किसी को भी मिल नहीं पाई होगी। अच्छा हुआ मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। ये जी बोलता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा मैं कितना रिच हूँ। शाओ बोलता है, चुप करो अब। चिया बोलती है, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? वैसे तुम दोनों साथ में रहो क्योंकि अब हम लू ग्रुप के साथ काम करेंगे। यीजी सभी को लेकर चला जाता है। टीना बोलती है, तुम अब क्या करने वाले हो? शव बोलता है, मुझे तो तुमसे प्यार करना है, देखो मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। टीना बोलती है, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो, मैंने कहा था हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। शव बोलता है, पर क्यों, तुम मेरे टाइप की हो। लीना बोलती है, मेरा भी डिवोर्स हुआ है इसलिए कह रही हूँ मुझसे दूर रहो। शव बोलता है, नहीं दूर तो नहीं रह सकता हूँ। लीना बोलती है, कल की पार्टी में आने वाले हो ना तुम, लू ग्रुप सभी का नाम लेगी जिन कंपनियों में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। शव बोलता है, लू ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी मेरे साथ काम क्यों ही करेगी। लीना बोलती है, तुम ट्राई तो करना चाहिए ना, क्योंकि मैं भी जाने वाली हूँ और हम दोनों साथ चलेंगे। शव होके बोल देता है। वो लीना को जाते हुए देख रहा था और सोचता है, लीना ऑर्डिनरी लड़की तो लगती नहीं है। अगले दिन ये दोनों शॉपिंग के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जिया भी यीजी की मोम के साथ शॉपिंग के लिए आई थी। मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी जिया लीना को देख लेती है और बोलती है, ये ब्रांड बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस बनाता है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो उसी को बेचता है, तो तुम यहाँ कैसे आ गई? शव बोलता है, मेरे सामने तुम लोग रिच हो क्या? लीना को एक ड्रेस अच्छा लगता है। शव बोलता है, फिर इसको ले लो ना। चिया बोलती है, तुम ये नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी सोशल रेपुटेशन कैसी है वो तो तुम्हें पता है ना। वो एम्प्लॉय बोलता है, आप यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकती। लीना बोलती है, ठीक है, पर यहाँ जिया कैसे आ सकती है क्योंकि वो तो मिस्ट्रेस है ना। चिया बोलती है, नहीं मैं यीजी से शादी करने वाली हूँ। मोम बोलती है, तुम मेरी बहू हो। पैन बोलती है, सुन लिया ना, अब जिया को लीना की पसंद की हुई ड्रेस चाहिए थी, लीना जाने वाली थी, पर शव बोलता है, क्यों ना मैं ये सब खरीद लूं। जिया बोलती है, पागल हो गई हो क्या? तभी शव किसी को कॉल करता है। वो एम्प्लॉय बोलती है, अगर आपको कुछ नहीं लेना तो आप जा सकते हैं। तभी यहाँ मीना आ जाती है, उसने इस डिजाइनर की शॉप खरीद ली थी। जिया तो देखती रह जाती है। उस एम्प्लॉय को भी पता चल जाता है अब ये शॉप शव की है। शव जिया को बोलता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना, क्योंकि यीजी तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। लीना बोलती है, उसके पास है ही क्या? जिया बोलती है, तुम बकवास ना करो। लीना एम्प्लॉय को बोलती है, अब जब ये शॉप हमारी है तो मैं जो चाहे मर्जी वो कर सकती हूँ। वो एम्प्लॉय बोलती है, हाँ बॉस। लीना बोलती है, इन लोगों को यहाँ से निकालो, देखने से लग रहा है ये शॉप डस्टबिन बन गई है। जिया बोलती है, वैसे हमें लू ग्रुप ने बुलाया है, समझी ना। लीना बोलती है, अच्छा तो वहीं पर मिलते हैं, वैसे तुम्हारी शक्ल देखना मुझे पसंद तो नहीं है। मोम जिया और पेन को निकाल दिया जाता है। मोम को तो गुस्सा आ रहा था, पर पेन बोलती है, मुझे तो शॉपिंग करनी थी। जिया बोलती है, एक बार लू ग्रुप से काम मिल जाए हम यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ शव बोलता है, तुम ये ड्रेस पहन कर आओ ना। जैसे ही लीना आती है, शव तो उसे देखता रह जाता है, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। लीना बोलती है, मुझे ये शॉप नहीं चाहिए, ये तुम्हारी है। शव बोलता है, मैंने कहा था ना, अब तुम्हारा है सब कुछ मेरा, तो मुझे मना मत करो। रात की पार्टी में लीना आती है शव के साथ। यहाँ फिर से जिया लीना के पास आती है। शव बोलता है, तुम कितनी बेशरम हो, जहाँ देखो मुँह उठाकर लीना के पास आ जाती हो। जिया बोलती है, सही कहा, आज इसलिए आई हूँ क्योंकि लू ग्रुप यीजी की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, तुमने हमें प्रोजेक्ट नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारी लू ग्रुप के साथ डील हो गई है। शव बोलता है, ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जिया बोलती है, ये खुशखबरी है तो इसलिए बतानी तो बनती है ना। यीजी बोलता है, तुम मेरी एक्स वाइफ के साथ खुश रहना, जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लीना यीजी को थप्पड़ मारती है, तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते, क्योंकि मेरे साथ शादी में होते हुए भी तुम दूसरी औरत के साथ थे। यीजी बोलता है, मैं तुमसे बकवास नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है। जिया और यीजी जाते हैं।
पर वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है आप दोनों अंदर नहीं जा सकते। जिया पूछती है पर क्यों? वो गार्ड बोलता है क्योंकि हमें ऑर्डर दिए गए हैं आपको अंदर ना जाने दिया जाए। ये सब लीला ने ही किया था। वो आकर बोलती है आ जाओ ना अंदर, इन्वेस्टमेंट ले लो। वो जिया का मजाक बना रही थी। शाओ लीना को लेकर जा रहा था पर गार्ड बोलता है अगर ये लेडी आपकी फियांसी है या वाइफ है तभी आप इसको लेकर जा पाओगे। ये सुनकर जिया और पेन खुश हो रहे थे। क्या बात है, हम अंदर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, तुम लोग भी अंदर नहीं जाओगे? लीना बोलती है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लीना के पास वीआईपी कार्ड था जिसे देखकर गार्ड बोलता है आप अंदर जा सकते हैं। पेन बोलती है पर हमें तो मना कर दिया था ना। गार्ड बोलता है क्योंकि लीना मैडम के पास सुप्रीम कार्ड है। ये सुनकर जिया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, जब ये कार्ड हमें नहीं मिला तो इसको कैसे मिल सकता है? पेन बोलती है जरूर तुमने गु ग्रुप में भी चक्कर चला लिया होगा। इजी बोलता है सही कहा, वरना उसको ये कार नहीं मिल सकता था। लीना बोलती है जलन हो रही है क्या तुमसे आगे निकल रही हूँ तो? शाह बोलता है लगता है तुम्हारे एक्स को जलन हो रही है, उसे कुछ नहीं मिलने वाला ना। इजी बोलता है तुम लीना से दूर रहो। इजी बोलता है तुम लीना से दूर रहो, वो एक हाउसवाइफ है जो सबको अपने चक्कर में डाल देती है, वरना लीना में एबिलिटी नहीं जो खुद से वो कुछ भी कर पाए जैसे जिया मेरे लिए करती है। लीना को तो इजी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीना बोलती है जैसे सोचना है वैसे सोचो। ये दोनों जाने वाले थे तभी यहाँ पर तू आ जाती है और बोलती है तुम शाओ के साथ नहीं जा सकती हो क्योंकि वो मेरा फियांसी है। लीना बोलती है पर मेरे शाओ के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। तू भी बोलती है अच्छा है। शाओ बोलता है मैं कितनी बार कहूँ तुम मुझे पसंद नहीं हो, जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? लीना को पता था तुई को शाओ पसंद था, इसी वजह से उसने शाओ की कंपनी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी थी ताकि वो उसे एंगेजमेंट कर ले। जिया तुई को मस्का लगाने आ जाती है। लीना तो ऐसी ही है पर तुई उसे बोलता है तुम ज्यादा बोल रही हो, मेरे पास दिमाग है, तुम्हारी एडवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। जिया को तो फिर से पॉपट हो जाता है। तुई शाओ से बोलती है क्या तुम्हें कंपनी की परवाह नहीं है? शाओ बोलता है मैं लीना से प्यार करता हूँ, तुमसे कभी नहीं करूँगा। तुई बोलती है एक बार सोच लो क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ वो तो तुम्हें पता ही है। शाओ बोलता है हाँ पता है, अब निकलो यहाँ से। तुई चली जाती है। लीना बोलती है तुम ये सब मेरे लिए मत करो। शाओ बोलता है मैंने जो कहा है वो सच है। यहाँ इजी की मोम परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। इजी बोलता है अब मैं लू ग्रुप से बात भी नहीं कर पाऊंगा। जिया बोलती है मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, आप टेंशन ना ले। अंदर लीना शाओ को बोलती है आई होप तुम्हें भी लू ग्रुप से डील मिल जाए। शाओ बोलता है ये इतना आसान नहीं है। लीना बोलती है तुम काबिल हो, सब अच्छा होगा। तभी शाओ दूसरे बिजनेसमैन से बात करने लगा था। वो बोलता है ये कौन है आपके साथ? तभी यहाँ पर तुई आ जाती है और बोलती है ये लीना है, इसको इसकी फैमिली ने छोड़ दिया है और उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स भी दे दिया है और ये शाओ प्यार में पागल हो रखा है इसके। लीना बोलती है छोड़ो इसको, ये लोग फ्रंट टेबल पर बैठने वाले थे। तभी तुई बोलता है तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। एक बंदा बोलता है तुम यहाँ आने के लायक नहीं हो। शाओ बोलता मुझे लगता है आपको चुप रहना चाहिए। उसे पता था लीना कोई मिडिल क्लास गर्ल नहीं है, उसके कनेक्शन बहुत ही पावरफुल है। लीना बोलती है आपको नहीं बताना चाहिए कि मुझे कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। दूसरा बंदा बोलता है अच्छा तुम बोलती भी हो, वरना अभी तक तो तुम चुप ही थी। लीना इन्विटेशन कार्ड दिखाती है ये देख लो, अब मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होगी ना। ये सब देख कर तुई को तो मजा आ रहा था। एक बंदा बोलता है तो क्या हुआ अगर ये कार्ड तुम्हारे पास है, तुम्हारा कोई शुगर डैडी होगा ना लू ग्रुप में? शाओ बोलता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो बंदा बोलता है तुम तुई को छोड़कर ऐसी लड़की के पीछे कैसे जा सकती हो? तुई बोलती है सही कहा, ये लीना यहाँ आने के लायक नहीं है, हम सभी को ऐसे निकाल देना चाहिए। लीना बोलती है मैं निकल जाऊंगी लेकिन तुम सबको भी यहाँ से जाना होगा समझे? पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तुई बोलती है तुमने मुझे छोड़कर ऐसी लड़की को पसंद किया है? कोई नहीं कोई नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, ये हमारी शादी का कार्ड। शाओ उसे ले लेता है। ये देखकर तू भी बहुत खुश हो गई थी पर शाओ उसे तोड़कर बोलता है मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी समझी तुम? वो बंदा बोलता है तू जैसी अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी समझ जाओ तुम? शाओ बोलता है हाँ क्योंकि मुझ में दिमाग है। वो दोनों बंदे लीना की बुराई करने लग जाते हैं क्योंकि उसकी वजह से शाओ तुई से दूर हुआ था। शाओ उन दोनों बंदों को बोलता है आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है क्योंकि तुई जैसी लड़की किसी भी आदमी की लाइफ में ज्यादा टाइम तक टिकी नहीं सकती है, वो हर बार मेरी इंसल्ट करती रहती है, पर मुझे लीना से प्यार है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। तुई बोलती ठीक है तो क्या उसके लिए तुम उससे भी पंगा लोगे?
वो दोनों बंदे भी टुई की साइड आ जाते हैं। टुई बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा करना पड़ेगा, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। वो किसी को कॉल कर बोलती है, जल्दी से शाओ ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट बंद करवा दो। टुई शाओ को बोलती है, मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ शादी कर लो, वरना बाद में मुझसे मत कहना। वो बंदा बोलता है, शाओ तुम इस लीना के लिए टुई को छोड़ रही हो क्या? ऐसा मत करो। पर शाओ तो किसी की बात नहीं सुनता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए लीना ही सब कुछ है। लीना बोलती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारी कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी। टुई बोलती है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है पर क्या ही कर पाएगी। लीना किसी को कॉल कर बोलती है, टुई की कंपनी के सारे प्रोजेक्ट बंद करवा दो। ये सुनकर टुई तो हंसने लग जाती है, क्या तुम खुद को प्रेसिडेंट समझती हो? और शाओ को बोलती है, तुम ऐसी पागल लड़की के साथ कैसे रह सकती हो? लीना बोलती है, अगर मैंने शाओ को बचा लिया तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। टुई के साथ जो बंदा था वो बोलता है, तुम्हें मालूम भी है टुई है कौन? लीना बोलती है, पता चल जाएगा ये क्या कर सकती है। टुई की कंपनी के सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, इसलिए अब उसे बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है। टुई बोलती है, तुम हो कौन? उसे तो कंपनी से कॉल भी आ जाता है। ये देख कर लीना को तो अच्छा लग रहा होता है। बताओ ना शाओ के साथ क्या करना है? सभी लोग इसके बारे में बात करने लग गए थे। टुई बोलती है, जरूर तुम किसी रिच आदमी का यूज कर रही होगी। लीना बोलती है, तुमने जो सोचना है वो सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। टुई बोलती है, कभी नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे हस्बैंड ने छोड़ दिया है ना, ऐसी वुमेन से मैं कभी माफ़ी नहीं मांग सकती। शाओ लीना को बोलता है, चलो हम बैठते हैं। लीना बोलती है, मेरी तो सबसे आगे वाली चेयर है। ये देखकर सभी लीना का मजाक बनाने लग जाते हैं। यहाँ लू फैमिली की फर्स्ट डॉटर बैठने वाली है। लीना बोलती है, पता है मुझे। तो ये बोलते हैं, यहाँ से दफा हो जाओ, बड़ी आई शाओ की हेल्प करने वाली, खुद को कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट मानती हो। वो दोनों बंदे टुई को बोलते हैं, सही कहा तुमने। लीना शाओ को बोलती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? शाओ बोलता है, हाँ। वो लीना के पास जाने वाला था, तभी टुई बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कुछ भी बोले जा रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? शाओ बोलता है, मुझे तो सब समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मेरा प्यार लीना है। तभी यहाँ लू ग्रुप का एक डायरेक्टर आ जाता है, उसे लीना के बारे में पता नहीं था। टुई बोलती है, कोई खुद को लू ग्रुप का प्रेसिडेंट समझता है, आप तो सबको जानते होंगे ना। डायरेक्टर बोलता है, ये कौन है? मैंने तो इसे लू ग्रुप में कभी नहीं देखा। लीना बोलती है, मैं लू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। टुई बोलती है, अच्छा, मैं भी लू ग्रुप की बेटी हूँ, तुम कुछ बोलोगी और सब मान लेंगे? लीना बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ। डायरेक्टर बोलता है, आप लू ग्रुप की प्रेसिडेंट नहीं हो सकती हो। सभी लोग बोलने लग जाते हैं, तुम यहाँ से बाहर निकलो। टुई बोलती है, क्योंकि डायरेक्टर तुम्हें नहीं जानता तो तुम एक नंबर की झूठी हो। लीना बोलती है, मैं उस डायरेक्टर को एक मौका देना चाहती हूँ। डायरेक्टर बोलता है, मुझे कोई मौका नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ सभी को परेशान कर रही हो। शाओ बोलता है, इसको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे तुम? तभी यहाँ वो आ जाता है और बोलता है, क्या तुम लीना को पहचान नहीं पाए? डायरेक्टर बोलता, नहीं। वो बोलता है, जिसके यहाँ तुम काम करते हो यानी कि बॉस की, तुम इंसल्ट कैसे कर सकते हो? टुई बोलती है, ये वुमेन तो कभी एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, ये लू फैमिली से नहीं हो सकती। वो बोलता है, मुझे पता है, इतना काफी है। वो डायरेक्टर को बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ किसकी कहने पे आए हो, इसलिए अब तुम्हारी ये जॉब नहीं रही। वो यहाँ लीना को रिस्पेक्ट दे रहा था, ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर टुई को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बोलती है, ये लीना किसी के लायक नहीं है, अगर इतनी रिश थी तो ईजी से शादी क्यों की? वो बोलता है, जिसने भी लीना की इंसल्ट की उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। जिसके बाद सभी लोग माफी मांगने लग जाते हैं, पर टुई की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। ये जानने के बाद उसे तो डर भी नहीं लग रहा था। वो बोलता है, तुम यहाँ से निकल जाओ। टुई बोलती है, मुझे सब पता है, आप यहाँ किसके लिए आए हो? वो बोलता है, क्या कहना है तुम्हें? टुई बोलती है, मैंने सुना है लू ग्रुप की बेटी के पास रिंग है जो उसकी खानदानी है, पर लीना के पास तो वो नहीं है। लीना बोलती है, मुझे रिंग की कोई जरूरत नहीं है। टुई बोलती है, वो तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि तुमने इसको भी फंसा लिया होगा, कभी इसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा होगा ना। वो टुई को तमाचा मार देता है, ये क्या बोल रही हो? टुई बोलती है, मुझे तो यही लगता है, देखो ना मिस्टर वो कितना ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। वो बोलता है, तुम्हें अपने डैड की पड़ी नहीं है क्या? मैं तुम्हारी कंपनी बंद करवा सकता हूँ। सभी को टुई की बात सही लग रही होती है, तभी लीना के सारे अंकल आ जाते हैं। टुई बोलती है, अब सब पता चल जाएगा। टुई अपने अंकल्स को बोलती है, देखो ना ये कह रही है ये लू फैमिली की बेटी है, मुझे लगता है इसे अटेंशन खाने की आदत है, इसको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। एक अंकल बोलते हैं, लगता है तुम्हारे पास बहुत दिमाग है पर किसी काम का नहीं है।
दूसरे अंकल बोलते हैं यही लू फैमिली की बेटी है। सभी अंकल बोलते हैं लू फैमिली से पंगा कितना भारी पड़ सकता है, क्या आप सभी को नहीं पता है। जिसके बाद वो दोनों बंदे लीना से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लीना बोलती है ठीक है तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए छोड़ देती हूँ। तुई को अभी भी अकल नहीं आई थी और बोलती है लीना तुम इतनी रिच नहीं हो सकती हो। अंकल बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लीना के पीछे क्यों पड़ गई हो। लीना बोलती है मैं तुम्हें बैंक्रप्ट करवा सकती हूँ, पता है ना तुम्हें। तुई बोलती है ये तो तुम तब कर पाओगी ना जब तुम लू फैमिली से होगी। लीना बोलती है ठीक है मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो शाओ को कुछ बताती है, शाओ को लीना का प्लान पसंद आता है। तुई को लगा था लीना कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो भी अपना एटीट्यूड दिखा रही थी। तभी तुई को कॉल आता है उसकी कंपनी बैंक्रप्ट हो गई है। ये सुनकर तुई हैरान हो जाती है। तभी लीना को टुई के डैड कॉल करते हैं और बोलते मुझे पता चल गया है मेरी बेटी टुई ने क्या किया है, मैं टुई को अपनी फैमिली से निकाल दूंगा पर आप प्लीज मेरी कंपनी को छोड़ दो। वैसे भी टुई में दिमाग नहीं है तभी तो इतनी गलतियां करती है। टुई तो रोने लग जाती है। वो बोलता है मैं इसको लेके जाता हूँ। अब सभी को लीना पर ट्रस्ट हो जाता है और सभी चाहते थे लीना के बारे में सबको पता चले ताकि कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए लीना बोलती है ठीक है मैं वेलकम पार्टी रखूंगी ताकि सभी को मेरे बारे में पता चले। लीना शाओ को अपनी कंपनी में पार्टनर भी बना लेती है। ये सुनकर वो तो हैरान ही हो जाता है। जिया आकर बोलती है लू फैमिली ने शाओ के साथ डील करने की अनाउंसमेंट की है। तभी यहाँ से टुई को लेकर जा रहे थे। इजी बोलता है इसको क्यों लेकर जा रहे हैं। इजी की मोम भी अब परेशान हो गई थी, ये सब लीना की वजह से हुआ है। जिया बोलती है पर अभी भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ सारे अंकल बोलते हैं जिसने लीना का साथ दिया वो एकदम अच्छा आदमी होगा। लीना कुछ नहीं कहती लेकिन उसके अंकल को शाओ पसंद आ चुका था। वो बोलते हैं ये इजी से बहुत ज्यादा अच्छा है। शाओ को तो लगता है अब वो सिलेक्ट हो गया है। टुई के सामने एक कार आ जाती है। टुई को लगा था ये सब लीना का काम है पर लियो बोलती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ। टुई बोलती है क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ बताओ। लियो बोलती है मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं लीना की कजन हूँ, मुझे लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना है पर ये लीना के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। उसने एक आदमी से शादी कर ली थी और चली गई थी, तब सब कुछ मैंने संभाला था और देखो ना आज वो वापस आ गई है और सब कुछ ले लिया है। टुई को तो लीना पसंद नहीं थी इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। यहाँ लीना शाओ से मिलने के लिए चली जाती है। लीना घर में थी तभी उसके पास लियो आती है और मासूम बनते हुए बातें करने लग जाती है। मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकी पर मैंने आपको बहुत मिस किया। वो बोलता है लीना आपसे कोई मिलने आया है। लीना तो चली जाती है लेकिन अपना फोन भूल जाती है जो लियो टुई को दे देती है और बोलती है जो भी करना है वो जल्दी करो। टुई ओके बोल देती है। लियो बोलती है इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा ये याद रखना। यहाँ टुई शाओ को कॉल करती है और बोलती है तुम्हारी लीना मेरे पास है तो जल्दी आ जाओ उसे बचाने के लिए। शाओ भागा हुआ आता है तभी टुई उसे पकड़ लेती है। शाओ बोलता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। टुई बोलती है क्योंकि मेरे साथ भी बुरा हुआ है, तुम देखो ना मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे कोई प्रिंसेस नहीं समझता। शाओ बोलता है तो मैं क्या करूँ। टुई बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो ना तुमने मुझे छोड़कर लीना को पसंद किया, उससे दूर रहना था तुम्हें। शाओ पूछता है लीना कहाँ है। टुई बोलती है अगर तुम उसे इतना मिस कर रहे हो तो मैं उसे बुला देती हूँ। टुई लीना को कॉल कर लेती है। लीना रूम में थी तभी लियो आती है। ये लो तुम्हारा फोन। लीना देखती है शाओ को पकड़ लिया है तो जल्दी से आ जाती है और टुई को बोलती है इसको छोड़ दो। टुई बोलती है कैसे जाने दूँ, शाओ से मैं प्यार करती हूँ। यहाँ टुई ने लीना को भी पकड़ लिया था। शाओ को लीना की फिक्र हो रही होती है। टुई बोलती है मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतने बेवकूफ निकलोगे। लीना बोलती है अभी भी मौका है, लू फैमिली के साथ पंगा मत लो। टुई बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि तुमने मेरे मैन को मुझसे दूर कर दिया। शाओ बोलता है मैंने कभी तुम्हें लाइक नहीं किया। टुई बोलती है तो लीना के जाने की बात करोगे ना। वो कुछ कर पाती उससे पहले यहाँ सभी आ जाते हैं। लीना टुई से बोलती है मुझे बताओ ये सब किसकी कहने पर कर रही हो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। टुई बोलती है लियो के कहने पर उसे लू ग्रुप का प्रेसिडेंट बनना है। बाद में लीना बोलती है शाओ मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें। शाओ बोलता है तुम तो कमाल हो। रात में पार्टी होने वाली थी, यहाँ पर इजी भी जिया के साथ आया था। इजी बोलता है यहाँ आकर फायदा होने वाला है क्या। जिया बोलती है मैंने लियो से बात कर ली है, वो हमारी हेल्प करेगी एक बार हम लू फैमिली के क्लोज आ जाएं।
तब हमें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ येसी को VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसलिए ये तो बहुत ज्यादा खुश था। मोम बोलती है, अच्छा हुआ तुमने जिया जैसी लड़की को पसंद किया जो तुम्हें कितना समझाती है। जिया तो बहुत खुश हो जाती है। येसी को भी जिया पर प्यार आ रहा था। यहाँ ये दोनों अंदर आते हैं। ये सब देखकर येसी तो बहुत खुश हो गया था। जिया येसी को लियो के पास लाती है। देखो ये मेरा फियांसी है। लियो को तो जिया का यूज करना था, इसलिए वो उससे बात कर रही थी। जिया बोलती है, जब कोई इतना रिच होता है तो इतना एटीट्यूड आ ही जाता है। तभी यहाँ सभी अंकल आ जाते हैं और वो भी अश्लीना के लिए पार्टी रखी थी, इसलिए अंकल बोलते हैं आप सब इंजॉय करना। वो सभी को बताता है लीना आती ही होगी, तब तक हम सभी लोग बिजनेस की बातें कर लेते हैं। तभी लियो को एक मैसेज आता है। वो जगह जाती है जहाँ लीना को आना था। येसी बोलता है ये लू फैमिली की सेकंड बेटी है। अंकल पूछते हैं तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, ये लीना की जगह है। लियो बोलती है पर अब वो नहीं आ पाएगी, अब से मैं ही लू ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ क्योंकि लीना नहीं रही। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। हमने तो कुछ दिन पहले ही लीना को देखा था, पर लियो को ही प्रेसिडेंट होना चाहिए था। जिया बोलती है अगर लियो प्रेसिडेंट बनेगी तो वो हमारी हेल्प करेगी। तभी यहाँ लीना आ जाती है, जिसे देखकर येसी की मोम सुनाने लग जाती है, तुम यहाँ भी आ गई हो। लीना बोलती है क्योंकि ये मेरी पार्टी है, मेरे लिए ही हुई है। येसी बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये तुम्हारे लिए कैसे हो सकती है। लीना बोलती है आपको जिया की बातों पर ही ट्रस्ट होता है ना, मेरी नहीं। येसी बोलता है मैंने तुम्हें मेरी लाइफ से निकाल दिया है, पर तुम देखो मेरे पीछा ही करती रहती हो। लीना बोलती है तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारा पीछा करूं। येसी लीना को मारने वाला था पर शाऊ से रोक लेता है। यहाँ येसी की मोम बोलती है लगता है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई है ये। लियो का तो मुंह ही बन जाता है, तुम मेरी जगह लेने वाली थी ना, लेकिन ये सब मेरा है। लीना उसे गिरा देती है। येसी बोलता है यहाँ से निकल जाओ। लीना बोलती है लगता है मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है, मैं ही लू फैमिली की प्रेसिडेंट हूँ। ये बात पेन और मोम को तो हजम ही नहीं हो रही थी। अंकल तो लीना की ही साइड लेते हैं और उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। यहाँ लियो बोलती है ये देखो रिंग, मैं ही लू फैमिली की प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। जिया बोलती है सही कहा, ये लीना कुछ नहीं कर सकती है। लीना बोलती है अच्छा तो तुम अब ये सब करोगी क्या, मुझे मालूम नहीं था तुम प्रेसिडेंट बनने के लिए मरी जा रही हो। तभी यहाँ अब्रोड से सभी लोग आते हैं और लीना के साथ डील करने लग जाते हैं। सभी देखते ही रह जाते हैं। लियो बोलती है तुम्हें पता है ना फैमिली रूल्स में क्या लिखा था। यहाँ पर लीना एक वीडियो दिखाती है जिसमें लियो लॉयर से बात कर रही होती है, वो उसे डरा रही थी। देखो मुझे लू ग्रुप चाहिए। लियो बोलती है हाँ मैंने आपको हर्ट करने का ट्राई किया। तभी लीना वो वीडियो भी दिखा देती है जहाँ तू ही बोल रही होती है मैंने जो भी किया वो लियो के कहने पर किया। ये सब देखकर लियो भी बदल जाती है और बोलती है मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ टुई के डैड आते हैं और बोलते हैं मुझे टुई मिल नहीं रही है, आपने कुछ किया है क्या। लीना उसका भी वीडियो दिखा देती है। डैड बोलते ठीक है पर मेरी बेटी कहाँ है। लीना बोलती है ये सब लियो ने किया है ताकि टुई को भगा सके। लीना लियो को जेल में भेज देती है। येसी लीना के पास आता है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। लीना बोलती है अगर बताती तो क्या होता, तुम मुझे छोड़ते नहीं ना। येसी की तो बोलती बंद हो जाती है। लीना शाओ के साथ चली जाती है और यहीं पर इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।